खींच के गोवा वाले बीच में रन हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने प्रोमो में देखा आज हम उसी तरह की वीडियो बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है काइन मास्टर। तो चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना शूट किया वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो चलिए उस वीडियो को हम जल्दी से इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपको चलते हुए आना है और अपने दरवाजे को कुछ इस प्रकार से खोलना है। इतना हो जाने के बाद आपको मीडिया पे जाना है और वो वाला ओशियन वाला वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। तो चलिए उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। गाइस इतना कर लेने के बाद आपको सेकंड वाले वीडियो के स्टार्टिंग पे आना है और लेयर पे जाना है और एक इस तरह का वीडियो हम बता देते हैं आपको किस प्रकार से शूट करना है। चलिए देखिए ये वीडियो आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपने दरवाजे के पीछे आपको ग्रीन कलर का पर्दा या रेड कलर या ब्लू कलर, जिस कलर का आपके पास पर्दा है उसको ले करके आपको कुछ इस प्रकार से गेट को खोलना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको अपने लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची के बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑफ़ के बगल वाले बटन जो है उसको आपको क्लिक करना है। इस तरह करने से आपका वीडियो पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद ओके करना है और ओके करने के बाद आपको फिर से जाना है राइट साइड पर, क्रोमा की का ऑप्शन आएगा उसको आपको अनेबल कर देना है। दोस्तों अगर आप ब्लू कलर का पर्दा यूज कर रहे हैं तो आप यहां से ब्लू कलर चूज कर लीजिए, रेड कलर का कर रहे हैं तो रेड कलर करिए। मैं यहां ग्रीन कलर कर रहा हूं इसलिए मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको ओके करना है और ये देखिए आपका वीडियो इतना बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए एक बार प्ले करके दिखा देते हैं आपको। तो इतना हो गया है, उसके बाद आपको अपना रेस्ट वीडियो को डिलीट करना है। तो इसके लिए आपको कैंची पे जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले इट कर देना है और ये रहा वीडियो आपका बनके रेडी हो गया है। इसके बाद आपको शेयर वाले बटन पे जाना है और इसको फुल HD में एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस ये रहा धमाकेदार वीडियो बनके तैयार हो गया है। गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।